खिलाड़ी अक्षय कुमार स्टारर फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। हालांकि विपक्षी पार्टियां इससे खासा खुश नजर नहीं आ रही हैं। विपक्ष मुख्यमंत्री से सवाल कर रहा है कि आखिर क्यों कैबिनेट ने स्पेशल स्क्रीनिंग इसके लिए अटेंड की। ये फिल्में वास्तव में केवल मनोरंजन के साधन मात्र नहीं है, लोक जागरूकता के भी, राष्ट्रीय प्रेरणा के भी और समाज को एक नई दिशा देने के भी माध्यम बन सकते हैं। उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी देखेंगे और उत्तर प्रदेश में इसको हम टैक्स फ्री करने की भी घोषणा इस अवसर पर करते हैं, जिससे एक कॉमन मैन भी इस फिल्म को देख करके, और इसमें तो उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे स्थल हैं और उन स्थलों के बारे में लोगों के मन में एक जागरूकता भी पैदा होगी। देखिए, अक्षय कुमार जी विदेशी मूल के एक अच्छे अभिनेता हैं, देश विदेश में उनके प्रशंसक भी हैं। ये अलग बात है कि आजकल वो अभिनय छोड़ के राजनीति ज्यादा कर रहे हैं। आज योगी जी ने उनकी आने वाली फिल्म को भी देखा है और अतीत और भविष्य की भी बात की है। हम योगी जी से कहना चाहेंगे कि अतीत में आपने जिन बेरोजगार नौजवानों को लाठी मारने का काम किया, रोजगार नहीं देने का काम किया, भविष्य में उन बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दे दीजिए, यही अतीत से सीखने की आवश्यकता है। और आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने टाइम्स नेटवर्क के ग्रुप एडिटर और एडिटर इन चीफ ऑफ टाइम्स नव भारत नाविका कुमार से फिल्म को लेकर बातचीत की, आप भी सुनिए। बात यह है कि सही व्हाट इज योर हिस्ट्री वो सही बताया जाए और कुछ नहीं है। अपने बच्चों को बताना चाहता हूं कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान क्या करते। उन्होंने हिस्ट्री में सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के बारे में पढ़ा है। अगर आप भी जानते हैं, आपने भी पढ़ाई की होगी और मुगल एम्पायर बच्चों को भी पढ़ाया। हाँ, तो वही देख लीजिए, मुझे भी यही पढ़ाया गया था, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, और उसके बाद जो हमारे जो महाराणा राणा प्रताप हो, छत्रपति शिवाजी, छोटे छोटे एक पैराग्राफ होता था। और अगर आप इस किताब को देखेंगे तो करीबन 100 पन्ने सिर्फ मुगल एम्पायर पे और एक सिंगल कॉलम, दो लाइन सम्राट पृथ्वीराज चौहान पे, दो लाइन है।